नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार जो है बयान दे रही हैं, लगातार सरकार से पूछ रही हैं कि विकास के काम आपने क्या किए, और लगातार आदिवासियों के लिए अपनी आवाज को ऊंचा कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में जो है IFS प्रोफेसरों से बात किया, और उनसे बात करते हुए कहा कि आपको कैसे वन संपदा को बचाना है, उनसे बात की कि आप देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उनसे ये भी बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास मुद्दों के लिए क्या काम कर रहे हैं, और अभी ऐसे क्या काम बचे हुए हैं जिस पर देश के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रपति जो है मुर्मू, उन्होंने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा है, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमारा देश सच में आज बहुत पीछे जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जनसंख्या में अब पहले नंबर पर आ गया, जहां चीन जनसंख्या में सबसे आगे था, अब भारत जनसंख्या में सबसे आगे है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में विकास कितना है और हम किस राह पर चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि आज राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आज हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो भटक रहे हैं। आज IFS ऑफिसर को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को ये बताना पड़ रहा है कि हमारे लिए वन कितने उपयोगी हैं और वनों को लेकर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 8 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वन संरक्षण के लिए कितने काम किए, आप गिनती उंगली पर गिन सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया। आप ये भी देख सकते हैं कि हरियाणा की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वहां वन संपदा को लेकर जो है भारत सरकार ने क्या किया। लेकिन आपको तस्वीर जो है धुंधली नजर आएगी। क्यों? क्योंकि काम हुआ ही नहीं है। आज लगातार पेड़ काट दिए जाते हैं, पौधे काट दिए जाते हैं, लेकिन आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये भी सवाल कर लिया है कि हमारे देश की वन संपदा कैसे बचेगी। उन्होंने ये भी सवाल कर लिया है कि हमारे वनस्पतियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे। पहले एक और राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के विकास के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए सवाल खड़े किए थे, और आज ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी वन संपदा जो है चौपट होती चली जा रही, प्रधानमंत्री को उस पर जो है खबर लेनी चाहिए। लेकिन एक सवाल आपसे लूँगा कि आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हमारे वन संपदा जो है, हमारी हरियाली खुशहाली जो है, हमारी प्रकृति के लिए क्या सोचेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।